दीन का मसला तो इमाम आजम अबू हनीफा दसेगा ना, समझ आई? हाँ, जिदी पेशानी हो तो इमाम अबू यूसुफ गुसल करन लगे कपड़ा लाल, है जी, जेड़ा ऐसा कुरान का आमिल हो, ऐसा शरीयत का इमाम हो। इमाम अबू यूसुफ फरमा देंगे असीं पगड़ी लाई, इमाम साहब नूं लिटाया गुसल देने वास्ते, पगड़ी लाई तो चेहरे उत्ते कुरान की आयत लिखी आ गई, या अय्युहा नफ्सुल मुतमईना इर्जी इला रब्बिक राधियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। क्यों जी? इमाम अबू यूसुफ फरमा देंगे जैसे अपने उस्ताद गिरामी की कमीज लाई इमाम आजम अबू हनीफा की, तो फरमा दें जब बाजू सीधा किया धोन वास्ते सजा तो लिखे सी पूरे बाजू उते उदखुल जन्नत बिमा कुंतुम तअमलून। मैं जब बाया बाजू इंज किया तो उते कुरान की आयत लिखी आ गई, इन्ना ला नुदी अजर मन अहसन अमला, जिन्हें सोहने काम किए असी उन्हें जाया नहीं करांगे। इत्थे इस आयत का मतलब सी दाखिल हो जाओ जन्नत जेडे सोहने काम करके आए। क्यों जी? फरमाया जब सीने तो अपने उस्ताद साहब की कमीज लाई तो सीने उत्ते कुरान की आयत लिखी हुई सामने आ गई, युबशिरहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु वरिदवान वजन्नातिन लहुम फीहा नईमुन मुकीम, कि इनके रब की तरफ से इनको खुशखबरी है, रब इन पर राजी हो गया है। शरीयत की गलत है इमाम आजम अबू हनीफा। क्यों जी?